कर दोस्तों, हम लोग आज चकोरी हिल स्टेशन में आए हुए हैं जो कि बेड़ीनाग के पास पड़ता है। बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है चकोरी, जहाँ पर अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं और हम लोगों ने होम स्टे लिया हुआ है, सामने है। सो हिल क्यून होम स्टे में हम लोग रुके हुए हैं। आगे हम लोग यहाँ पर कैसे टाइम स्पेंड करते हैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, चकोरी स्टे के दौरान हमें माउंटेन्स में कुछ व्यू दिखाई नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर बादल लगे हुए थे, वरना यहाँ से आपको हिमालयन रेंज दिखाई देती है। सो हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं चकोरी में। चकोरी हिल स्टेशन है जो कि बेड़ीनाग के पास पड़ता है। एक ऊपर हिल स्टेशन है पहाड़ में, जैसे मसूरी टाइप का है ना। यहाँ पर हमने एक होम स्टे लिया हुआ है, होम स्टे है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, चकोरी में हमें जो होम स्टे में रूम मिला है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर एक डबल बेड लगा हुआ है और यहाँ पर एक सिंगल बेड लगा हुआ है। साफ़ सुथरा क्लीन है और ये इसका वॉशरूम है। सो ये एक बहुत छोटा सा क्यूट सा हमें रूम मिला जो कि हमने अनप्लान ट्रैवल करने में ऐसे बुक करा है और हमें बहुत साफ़ सुथरा अच्छा मिला हुआ है। और यहाँ से नज़ारे मैंने आपको दिखाई, फिर दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है चकोरी। मौसम अभी तो दिन में धूप आ रही है, शाम को देखते हैं यहाँ पर कैसा होता है। ये देखिए, ये वो होम स्टे है और ये बिल्कुल ऑन रोड है। इसका नाम है हिल क्वीन होम स्टे। और ये देखिए, ये रोड आगे को घूम के जाती है जहाँ हम कल जाएंगे। और ये ब्यूटीफुल सा एक हिल स्टेशन चकोरी आपके सामने, ये देखिए होम स्टे का बोर्ड लगा है ना। ये देखिए, हर तरफ ओपन है और बहुत ही सुंदर जंगलों के बीच में पहाड़ों में एक होम स्टे चकोरी में। जो तो शाम को हम लोग घूमने निकले हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा हो रहा है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये। ये चकोरी है, ये देखिए। शाम को वॉक करने में यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल कूल हिल स्टेशन है जहाँ पे बिल्कुल ना ट्रैफिक है ना बहुत सारे लोग हैं, बस एक रिमोट विलेज में ये चकोरी हिल स्टेशन है। यहाँ पर अगर आपको प्योर नेचर एक्सप्लोर करना है तो आप आ सकते हैं। इस तरीके का कुछ आपको यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बादल आ गए, हो सकता है थोड़ी देर में बारिश आ जाए। बादल काफ़ी आए हैं बट हो सकता है उड़ भी जाए, लेकिन शाम को हमें वॉक करने में बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। दोस्तों, हल्की बारिश शुरू हो गई है, इतना अच्छा मौसम हो गया ना, यहाँ पे बैठ के बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखिए, हल्की हल्की बारिश की बूंदें आ रही है। यहाँ पे बैठा था मैं और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए कैसा मौसम हो गया, ऐसा चकोरी है और ये यहाँ पर इस तरीके का नज़ारा है शाम को 5 बजे। दोस्तों, चकोरी में मेन बाज़ार में ही पहाड़न कॉफ़ी कैफ़े। अगर आप यहाँ चकोरी स्टे करें तो यहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जरूर करना। बहुत ही अच्छा कैफ़े है और यहाँ बनाने वाली जो लेडी है वो बहुत ही मेहनती है और बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो हमने यहाँ पर अपने स्टे के दौरान यहीं पर खाना खाया था। आप लोग भी यहाँ खाना, यहाँ से देखिए रात को नज़ारा भी दिख रहा है और यहाँ पर आप लोग को बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। दोस्तों, सुबह हो गई है, अभी 9:30 बज गए, हम लोग तैयार हो गए, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आप लोग को आगे कैचअप करते हैं, सब लोग वहाँ पर रेडी हो गए, गाड़ी में बैठ गए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, चले आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। सो गाइज, बैक टू द ड्राइविंग सीट और हम फिर से रेडी है अपनी ऑनवर्ड जर्नी के लिए। और हमारे साथ जो हमारे साथी है वो बहुत ही चेयरफुल है आज और सब तैयार हो चुके हैं सुबह सुबह आगे। एंड वी आर हैविंग अ वेरी प्लेजेंट टाइम ओवर हियर। बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पर। हम लोगों ने, आपने देखा कि हम लोग आए हुए थे, कहाँ पे आए हुए थे बताओ? चकोरी आए थे। सो चकोरी से अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हम आज कहाँ पहुंच जाते हैं क्योंकि ये बहुत अनप्लान ट्रिप है एंड वी आर रीचिंग आउट विदाउट एनी प्लान्स। सो चलिए चलते हैं आगे, बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बादल लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आ चुके हैं हमारे प्यारे प्यारे बब्बू मामा और हमारी बहुत ही प्यारी बब्बू मामा वाली मामी आ चुकी है और यहाँ पे तीसरा बब्बू मामा के साथ आ चुकी है। हमें बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि हम बब्बू मामा को मिस कर रहे थे और हमसे मिल लिए और हम लोग अभी जा रहे हैं बेड़ीनाग की तरफ को। बब्बू मामा क्या कहना चाहोगे, बताइए अपना अनुभव। मामी बताएगी बब्बू मामा का इस समय थोड़ा मजा आ रहा है, मजा आ गया ना मामी। आप लोग बेड़ीनाग में मस्ती करने जा रहे हैं और वहाँ बहुत सारी मस्ती करेंगे। ये देखिए, भारतीय से मिलके बहुत खुश
से, ये दीसा से, दीपक से, भारती से, आद्विक से मिलके बहुत खुश है, बहुत मजा आया हमारे, बहुत मजा आया। और ये हमें मिले क्योंकि ये थोड़े बहुत रिमोट रहते हैं तो वहाँ पर जाने का रास्ता ठीक नहीं हो पाता। बार आते हैं हमारे घर में, तो अब हम आगे जाते हैं और मस्ती करते हैं। चले चलो, बार भाई ना क्रॉस कर रहे हैं, कल हम यहाँ से गए थे, आज हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स अल्मोड़ा, तो हम अल्मोड़ा में मस्ती करेंगे। फिलहाल देखते हैं रास्ते में अगर हम कहीं रुक जाएंगे तो। ये बेड़ीनाग की मार्केट है, पीछे बड़ी मार्केट निकल गई, वहाँ पर बहुत जाम लगा था इसलिए मैंने आपको दिखाई नहीं। देखिए ये बेड़ीनाग है, छोटा सा हिल स्टेशन है और यहाँ पर बड़ी मार्केट है पहाड़ों की। दोस्तों कितना सुंदर है देखिए नज़ारा, वाह। सो ऐसा कुछ नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। हम लोग अभी ये देखिए रास्ते में है और हम बेड़ीनाग से थोड़ा सा नीचे आए हुए हैं। कितना सुंदर एक घाटी है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए कौसानी के पास दिखता है उस तरीके का कुछ नज़ारा है यहाँ पे। देखिए कितना ग्रीन है, ये सोमेश्वर घाटी देखी होगी अगर आपने ना, तो आप रिलेट कर पाओगे कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सेराघाट, पहुंच चुके हैं सेराघाट। अब यहां से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाएगा, पीछे जो आपने देखा था वो सब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट था, यहां से अब अल्मोड़ा शुरू हो जाएगा। ये एक नीचे नदी के क्रॉस करने की एक जगह है जिसको सेराघाट बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग खाना खाते हैं, लंच करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो गाइज हमारी टीचर बहुत थक गई है, हम लोगों ने लिया एक छोटा सा ब्रेक। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए जमीन में बैठे हुए हैं और कितना खूबसूरत जंगल है देखिए ये। अभी हम लोग करीब 50 किलोमीटर दूर है अल्मोड़ा। तो फाइनली बहुत मेहनत के बाद हम लोग अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं और हमारी सवारियां थोड़ी थोड़ी थक गई है। टीचर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करने के बाद भी फ्रेश दिख रही है और यहाँ पे अधिक बैठा हुआ, उसको नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा। हमने कितने बजे निकले थे हम, 10 से, अभी कितना बज गया हुआ, करीब 4 बजने वाला हुआ, करीब 6 आवर्स का ट्रैवल हो गया हमारा। लेकिन हमें बहुत मज़ा आया, अभी हम लोग अल्मोड़ा आ गए, आज हम लोग अल्मोड़ा स्टे करते हैं और उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे को, मस्ती जारी रहेगी। तो दोस्तों हम लोग अल्मोड़ा में आ चुके हैं, अभी हम लोग अल्मोड़ा में अंकित के घर में जा रहे हैं जहाँ पे आज हम लोग स्टे करेंगे, भारती की मौसी के वहाँ। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, अभी हम लोग अंकित के घर में आए हुए हैं। अभी हम लोग मेरे मामा जी रहते हैं नीचे डुंगाधारा रोड में, वहाँ मिलने जा रहे हैं। भारती आ रही पीछे से। दोस्तों कुछ इस तरीके का मौसम हो रहा है इस समय अल्मोड़ा में, 6:30 बजे। अभी हमें यहाँ से नीचे को जाना है, खड़ी चढ़ाई होती है यहाँ पे, जाते हैं। ये देखिए कैसे हम लोग रोड से उतर के, सीढ़ियों से उतर के नीचे के उतर के। देखिए पुराना घर बना हुआ है अल्मोड़ा का और इस रास्ते से होते हुए हम लोग नीचे जा रहे बारिश हो रही है और हम लोग ने यहाँ गाड़ी पार्क करी हुई है, हम लोग निकल रहे हैं अल्मोड़ा से। ये देखिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग अल्मोड़ा से हम निकल रहे हैं, आप लोग ने देखा कल हमने अल्मोड़ा में स्टे करा था। इस अल्मोड़ा वाली वीडियो को करते हैं यहीं फिनिश, आगे कंटिन्यू करते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो में लाइक शेयर कमेंट, बाय।